तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अधिरोहित हम में। तो अभी आप लोगों ने जल्दी देखा होगा कि अपने टेक्नो भाई ने एक गोल्डन मेंशन बनाया है। तो आज इस वीडियो में हम आप सभी को वही गोल्डन मेंशन कैसे बनाते हैं फुल आपको एक्सप्लेन कर बताने वाले हैं। आप बहुत ही आसानी से आप जान जाएंगे आप गोल्डन मेंशन कैसे बनाएंगे और बहुत ही सुंदर बनने वाला है रिज़ल्ट आपके सामने। तो पूरा वीडियो को देखिएगा और मज़ा लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को बनाना शुरू करते हैं। तो पहले तो भाई हमें पिलर वाला ये ब्लॉक चाहिए, तो इसे 3x3 का कुछ इस तरह से हम लगा देंगे। इसके बाद में जो ये बीच वाला हिस्सा आप सभी को दिख रहा होगा तो कुछ इस तरह से एक एक ब्लॉक हम बढ़ा देंगे, क्योंकि इसे हमें सर्कुलर शेप में कुछ देना है, ठीक है। इसके बाद में इसको हम अपने अनुसार जितना भी अपना हाइट बढ़ाना चाहते हैं उतना बढ़ा लीजिएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ाइएगा, 15-20 ब्लॉक से ज़्यादा नहीं। तो मैं इसे बढ़ा रहा हूँ, मुझे खुद नहीं है। तो मैं जो बीच वाला जो सर्किल था, जो मैंने 3x3 का ब्लॉक लगाया था, उसको मैं वाइट वाले पिलर से पूरा फिल कर दूँगा। पूरा फिल कर देना है तो इसे वाइट वाले ब्लॉक से फिल कर देते हैं पूरा। तो मैंने इसे पूरा फिल कर दिया है। अब इसे गोल्डन वाले से हम बाहरी वाला लगाएंगे, तो इसे हम गोल्डन से लगा देंगे। तो एक लाइन मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो मैंने पूरा भाई लोग पिलर कंप्लीट कर दिया है गोल्डन से। तो इसी तरह हम अपना दूसरा भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैंने थोड़ा बना लिया था तो ये गोल्डन का रहा, और फिर एक यहाँ पे हमें वाइट पिलर लगाना है। तो ऐसे लगाकर अपना जो फ्रंट का पिलर था तो ये काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव दिख रहा है, बहुत ही मस्त दिख रहा है। तो बना लिया मैंने इसका गैप जो था दोनों पिलर के बीच का, तो वो 10 या 15 ब्लॉक का ऐसे ही आप रख सकते हैं, ज़्यादा ऊंचा मत करिएगा। मैंने काफ़ी ऊंचा कर दिया है। तो मैंने ये कुछ बाउंड्री रखी हुई थी, मैंने इसे मिटा दी। तो आपको आप ओक का जो ये स्टीयर रहता है इसे आप लगा सकते हैं कुछ इस तरह से। तो जिस तरह मैं लगा रहा हूँ इसी तरह से आप फॉलो करिएगा, वरना नहीं बनेगा। मैंने अभी देखा मिस्टेक किया था यहाँ पर। तो कुछ इस तरह से ही आप स्टीयर लगाइएगा चारों तरफ से। ये स्टीयर लगाने से क्या होगा, बहुत ज़्यादा हमारा जो ये पिलर था वो अट्रैक्टिव दिखने लगेगा, वरना कुछ इस तरह से दिख रहा था कि जैसे अभी ये जो पिलर था अपना वो ज़मीन में गड़ा हुआ था। तो अब कुछ अच्छा दिख रहा है। तो मैंने दोनों पिलर कंप्लीट कर लिए हैं स्टीयर्स लगा कर। तो अब काफ़ी अच्छा दिख रहा है अपना जो पिलर है सामने का। तो अभी हमें दीवार भी कंप्लीट करनी है। तो पहले हम अपना पीछे का दीवार जो है तो इससे पहले नाप लेते हैं। इसे 15 या 20 ब्लॉक का ही रखिएगा। तो मैं गिनती मार चुका हूँ तो ज़्यादा नहीं मारूँगा, 20 ब्लॉक का मैंने रखा है भाई लोग। अब चौड़ाई तो भाई उतना ही रहेगा जितना अपना पिलर है। तो अब एक बार माप लिए हैं बस, अब इस तरफ से भी ले आते हैं अपना दीवार पे। केवल एक बार पहले हम अपना जो स्ट्रक्चर है हाउस का उसको एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अपना दीवार खड़ा करने में। तो ये पूरा गोल्डन का मेंशन होने वाला है, तो बहुत ही मस्त लगने वाला है। अगर और भाई लोग आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी जानकारी है, हम आपके लिए एक स्पेस की स्टोरी बेस कुछ वीडियो लाने वाले हैं, जिसमें हमारे साथ में एक गेस्ट रहेंगे। वो बहुत बड़े आपके लिए बहुत ही फेमस और बहुत ही पॉपुलर इस समय लोकी क्राफ्ट के यूट्यूबर हैं। तो उन्हें गेस्ट के रूप में रहेंगे हमारे वीडियो में। तो पहले अपना मेंशन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उस वीडियो के बारे में बात करेंगे। तो मैंने सामने की दीवार थोड़ी बहुत कंप्लीट कर ली है, थोड़ी बड़ी एक दो ब्लॉक छोड़ गया, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अच्छा बना हुआ है। तो ये पिछला है तो इसे दो ही ब्लॉक उठाइएगा। तो मैंने दो ब्लॉक उठा दिया और 4 ब्लॉक का केवल इसका ऊंचाई रखिएगा, क्योंकि आपको खिड़की के लिए भी जगह छोड़ना होगा, वरना बाद में फिर तोड़ना पड़ेगा। तो इससे पहले आप पहले ही छोड़ दीजिएगा कुछ जिस तरह, मैंने देख लीजिएगा कि मैंने कितने ब्लॉक छोड़कर बनाया है, या फिर आप अपने साइज़ के हिसाब से छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इसको हम ग्लास से कवर करेंगे। तो अब ये दूसरी जो ये अपनी दीवार बच रही है इसे भी फटाफट से कम्प्लीट कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है इसमें। तो ये भाई अपना एक कम्प्लीट हो चुका है। और ये जो सामने का मैंने जो पिलर उठाया है इसे भी तोड़ देंगे, वाइट वाला जो है। तो ये अपना अब नीचे का फ्लोरिंग वाला काम बाकी रह गया है।
इसे फ्लोर भी गोल्डन से भी कर दीजिएगा, पूरा ए टू जेड गोल्डन का ही करिएगा ताकि ये अच्छा लगे, क्योंकि हम गोल्डन का ही मेंशन बना रहे हैं, अपना गोल्डन का ही मेंशन पूरा का पूरा रहने वाला है, तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव दिखेगा, गोल्डन का मेंशन पूरा रहेगा। तो फाइनली पूरा कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा बहुत मिस्टेक है उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये अपना मेंशन का कुछ थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर बना, बहुत टाइम लग रहा है भाई, आप लोग लाइक कर दीजिएगा, मेहनत बहुत लगती है इस तरह की वीडियो बनाने में। तो ये ऊपर का भी स्टीयर कुछ उल्टा लगाना पड़ेगा वरना अच्छा नहीं लगेगा, कुछ सूना सूना लगेगा, तो जिस तरह से मैं लगा रहा हूँ उल्टा लगाइएगा, सीधा मत लगाइएगा स्टीयर्स, तो इस तरह से चौमंडल पूरा चारों तरफ स्टीयर ऐसे ही लगा दीजिएगा। इससे क्या रहेगा, अपना जो पिलर है उसका एक अलग सरफेस बना लेगा, काफ़ी अच्छा लगने लगेगा और जगह बना लेगा। इसके ऊपर हम लोग अपना बालकनी बनाएंगे, इसीलिए स्टीयर लगाकर स्पेस भी बन जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और ये जो अपना एंट्री गेट रहेगा ये भी एकदम कासल का लुक देगा, अपना कासल है ये, छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा, इतना नन्हा सा भी नहीं है लेकिन अच्छा है। तो आप इसे चाहें तो आप अपना जो ये बीच वाला पिलर है इसे तोड़ सकते हैं, लेकिन इससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा रह गया, ये सब तोड़ देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। ये मैंने केवल मापने के लिए बनाया था कि ऊंचाई बराबर है या नहीं है दोनों पिलर्स की, तो अब इसका कोई काम नहीं है, इसे तोड़ देते हैं। तो ये अपना टूट गया, काम ख़त्म हो गया इसका, इसका कोई काम नहीं है। तो ये अपना काफ़ी अच्छा कासल का लुक तो आ रहा है अभी भाई, तो ये रहा अपना कासल का लुक, काफ़ी सुंदर अट्रैक्टिव प्यारा सा दिख रहा है अपना कासल। ऐसा भी थोड़ा और बाकी है यार, सामने का भी जो अपना जो दीवार बनाना है इसको हम वाइट पिलर से बनाएंगे, काफ़ी सुंदर दिखेगा, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें भी, क्योंकि इसे भी बनाने में टाइम लगता है यार। तो मैंने थोड़ा बहुत कंप्लीट कर लिया है दो तीन ब्लॉक का, तो यार इसमें बहुत टाइम लगा है, तो पूरा लाइक पूरा वीडियो देखिएगा तभी जान पाएंगे, लास्ट का जो रिज़ल्ट है बहुत ही अच्छा आएगा अपना। तो ये आप थोड़ा बाद में काम करेंगे, गेटिंग का गेट बहुत टाइम लगेगा बनाने में, क्योंकि सबसे कठिन गेट बनाना ही है अपना, तो एंट्री गेट, तो उसे बाद में बनाएंगे, पहले उस पर इसको डेकोरेट कर लेते हैं अपना। ये वॉल लगा कर लगा दीजिएगा, तो ये वाला वॉल ले आइएगा, आप समझते हैं कहाँ मिलता है ये, तो कुछ इस तरह से बिछा दीजिएगा जिस तरह से मैं बिछा रहा हूँ, इसको पूरा बिछा दीजिएगा इसे। इसके बाद में इसके ऊपर हमें स्लैब लगाना है, तो अपना ये लग गया है, अब इसके ऊपर वुडन स्लैब लगाना है, ठीक है। तो इसे वुडन स्लैब इसके ऊपर कुछ इस तरह से एक बाई एक रखेंगे ताकि खूब अच्छी से अपनी बालकनी बने, बहुत प्यारी सी बालकनी बनने वाली है, और ये कासल का लुक भी देगा, एक पूरा अपना मेजर बना कर रखेगा, पूरा यहाँ से स्कॉट करेंगे अपने पूरा विलेज को। तो मैंने दूसरी तरफ का भी इसी तरह को अपने को बनाना है, तो इसी तरह इसे भी लगा देते हैं इस वाल को, तो मैंने लगा दिया है लगभग। तो ये भाई रात हो गई, मैं बहुत देर से काम कर रहा था, आप देख रहे होंगे कि कितना टाइम लगता है वीडियो बनाने में भाई, मुझको 4-5 से 6 दिन लगे हैं इस लोकी क्राफ्ट के दिन। तो ये देखिए फिर दिन हो गया, तो यार अब गेट बनाएंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा काम और बाकी है अपना, तो इसे विजिट कर लेते हैं अंदर से कैसा दिख रहा है। पूरा गोल्डन शाइन कर रहा है यार, पूरा पीला पीला चमक रहा है गोल्डन कलर का, तो बहुत ही सुंदर दिख रहा है अपना कासल। इसमें से स्कॉट करके देखते हैं यार कैसे लुक आने वाली है, कुछ दिख ही नहीं रहा है, थोड़ा यहाँ पे ब्लॉक लगाना पड़ेगा तब दिखेगा चारों तरफ। तो ये अपना विलेज है सामने, इसे यार गड्ढा करना पड़ेगा कुछ। तो यार मैंने गेट को कम से कम 2-3 घंटा बनाने के बाद डिजाइन दे पाया हूँ, बहुत टाइम लगा है यार जो सामने का गेट बनाने में। पहले इस दीवार को कंप्लीट कर लेते हैं फिर आपको गेट दिखाते हैं। यार काफ़ी अच्छा नहीं बना, लेकिन मैंने ट्राई किया है टेक्नो भाई की तरह बनाने को, बहुत
क्योंकि किसी दूसरे का यार वो भी नहीं बताए थे। कॉपी करने में बहुत मेहनत लगती है, कुछ तस्वीर देखकर बनाने में बहुत डिफिकल्टीज आती हैं यार। तो मैंने काफ़ी कोशिश की है बनाने की उसी तरह। गेट आप खुद देखिएगा कि कैसा टेक्नो भाई की जैसा बना है या नहीं बना है। तो ये देखिए थोड़ा बहुत तो दिख रहा है गेट, लेकिन मैंने गैप ज़्यादा कर दिया था इसलिए थोड़ा नहीं भी लग रहा होगा। तो लेकिन अब ये यहाँ पे ग्लास नहीं लगा है यार, इसे ग्लास को लगा लेते हैं अपने पीछे को फटाफट से। तो ग्लास कुछ यही वाला लीजिएगा ताकि ट्रांसपेरेंट दिखे व्यू, और आप हो सके इस कासल को आप पहाड़ी इलाके पे बनाइएगा थोड़ा ऊंचाई पर, ताकि स्टीयर आगे लग सके। आपका जो कासल है थोड़ी ऊंचाई पर रहे, काफ़ी अच्छा लगेगा। और पीछे नदी हो तो यार शान ही, कुछ कासल का लुक ही अजब गजब हो जाएगा, बहुत ही मस्त हो जाएगा। तो कुछ ऐसे ही बनाइएगा जिस तरह मैं ग्लास लगा रहा हूँ। अच्छे से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे, वरना नहीं समझ पाएंगे। ये ग्लास को लगा दीजिएगा कुछ ऐसे ही। तो ये ग्लास लगाना भी यार बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि एक भी छूट जाता है यार तो नहीं समझ में आता है। ये देखिए एक चमक रहा है यहाँ पर, तो इसे लगा देते हैं। तो अपना ग्लास का काम भी फिनिश हो गया है। वो अपना बेड कितना पिद्दी सा लग रहा है भाई लोग। तो यार मैंने उसे कंप्लीट कर दिया है, अब लगाना है उस पर रूफ अपना बनाना है, छत बनाना है। तो इसको भी स्लैब से लगाएंगे, लकड़ी के स्लैब से, ताकि लकड़ी और गोल्डन का कॉम्बिनेशन बढ़िया अच्छा लगे, खूब बेस्ट लगे। क्योंकि मैंने लकड़ी का यूज किया है इसे बनाने में, तो लकड़ी का भी छत बनाएंगे, क्योंकि पुराने टाइम में लकड़ी का ही छत बनता था। तो लकड़ी का ही बनाएंगे अपना। तो इसे कंप्लीट करने के बाद में थोड़ा और काम बाकी था। ये देखिए भाई, मैंने पूरा तोड़ ताड़ कर इसे गड्ढा बनाकर अपने कासल को ऊपर कर दिया है। तो ये देखिए अपने कासल का मैंने थोड़ा बहुत डेकोरेट करने की कोशिश की है। देखिए कैसा है अपना कासल, काफ़ी हद तक टेक्नो भाई जैसा दिख रहा होगा। और गेट भी काफ़ी उन्हीं जैसा सिमिलियर है, अच्छा है। थोड़ा बहुत चेंजिंग करना वाला है इसमें, और कर देंगे इसमें, जल्द ही कर देंगे, थोड़ा बहुत है। और आगे एक वाटर का फॉल बनाएंगे, काफ़ी अच्छा लगेगा आगे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और जल्द ही हम लाने वाले हैं एक नए यूट्यूबर के साथ अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।